हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? चलो आइए, आज मैं आपको सफ़र कराता हूं आपकी अदालत की। हाँ दोस्तों, जो कि सालों साल चली आ रही है आपकी अदालत। महान महान नेता, कवि, धर्म गुरु, फिल्म स्टार से लेकर बहुत सारे लोग यहां पर आ चुके हैं। और दोस्तों, आजकल के जो चर्चा के विषय बने हुए हैं, हमारे श्री बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी आज रजत शर्मा जी की आपकी अदालत में आने की संभावना है। बस आ ही चुके हैं और अब उनसे आगे की वार्तालाप शुरू की जाएगी। दोस्तों, अदालत की कार्यवाही शुरू हो उसके पहले प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आपकी अदालत में पहुंच चुके हैं और वह अपने वही अंदाज में, निराले अंदाज में पहुंचे हैं। सिर पर पगड़ी, पीले कलर के कपड़ों में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, जैसे कि एक फिल्म स्टार हैं और कोई शूटिंग करने हुए आए हुए हैं। दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की उम्र सिर्फ 26 साल है और 26 साल की उम्र में इन्होंने बहुत ही सिद्धियां प्राप्त कर ली है। देश विदेश में ये बहुत ही फेमस हो चुके हैं और यहाँ तक कि नहीं, लंदन की संसद में इन्हें बुलाया जा चुका है। अभी अमेरिका से भी बुलावा आया है और अभी देखो आपकी अदालत में तो आ ही चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि रजत शर्मा जी इनके ऊपर क्या आरोप लगाते हैं और यह उन आरोपों का क्या क्या जवाब देते हैं और अपनी सफाई में क्या पेश करते हैं। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का संकल्प है कि वह सनातन धर्म को पूरे राष्ट्र में फैलाएंगे, यानी कि घर घर तक पहुंचाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर ही दम लेंगे। दोस्तों, बागेश्वर सरकार ने बताया कि उनके पास जो भी कृपा है या उनके ऊपर बागेश्वर बाबा हनुमान जी की जो भी दृष्टि है और उनके गुरु जी की कृपा है और उन्होंने अपने जो गुरु जी की सेवा की है और उनसे जो भी शक्तियाँ प्राप्त की है और भगवान बालाजी सरकार से जो भी उन्हें शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, उनके द्वारा वह अपना ही नहीं, देश का ही नहीं, पूरे विश्व के एक-एक जीव जंतु का कल्याण चाहते हैं। दोस्तों, रजत शर्मा जी ने ये आरोप लगाया कि बाबा जी कब फेमस हुए, यानी कि जब से वह संस्कार टीवी पर आए और उनकी कथा संस्कार टीवी पर आने लगी तब से उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। तो इस पर उन्होंने यही जवाब दिया कि यह एक माध्यम है, हम तो कथा पहले से ही करते थे, दरबार तो 3 पीढ़ियों से लगता है और लोकप्रियता की बात रही तो वह लोकप्रियता हमेशा से रही है, पर हाँ, संस्कार टीवी एक माध्यम था जिसके कारण लोकप्रियता पूरे विश्व में फैल चुकी है। रजत शर्मा जी ने आगे पूछा कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे तब भी आप स्कूल में इस तरह की बातें किया करते थे, बच्चे लोग आपके पास आते थे, पूछते थे कि मेरा क्या होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तब आप कहते थे कि यानी कि क्या कहते थे? तो उसके जवाब में बाबा ने कहा कि उस समय में भी हमें कुछ यानी कि अंतरात्मा से जो भी निकलता था हम उन्हें कह देते थे कि जैसे भैया तेरा 56% आने वाला है, अगर तुम ज़्यादा मेहनत करोगे तो 60% आ जाएगा। तो इस तरह से हम उस समय से ही यह काम करते आ रहे हैं। शास्त्री जी ने कहा कि हम कोई ईश्वर नहीं हैं और हम कोई अलग नहीं हैं, हम आम इंसान हैं, हम ब्रह्मा जी की फैक्ट्री से कोई अलग हमारा उत्पादन नहीं हुआ है। और कहा कि जैसे पूरी दुनिया है वैसे ही हम हैं, परंतु गुरु परंपरा क्या होती है, गुरु कृपा क्या होती है, और शायद बालाजी हनुमान जी ने हमें चुना और हमें इस काम के लिए चुना, उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। उन्होंने यह एक बात और भी कहा कि दूसरे संत लोग जो भी हैं गुरु परंपरा के लोग दरबार इसलिए लगाते हैं कि वह एक कमाई का जरिया रखते हैं, परंतु मैं दरबार इसलिए लगाता हूँ कि लोगों का कल्याण हो। और हमारे यहाँ बैनर भी लगा है कि यहाँ पर कोई यानी कि कमाई की जरिया के लिए यानी कि कोई भी निशुल्क है, कोई दक्षिणा नहीं ली जाती है। हाँ, अगर तुम देते हो तो उसे अस्वीकार भी नहीं किया जाता है, क्योंकि यह गुरु परंपरा है और ब्राह्मण है
और उसका उपयोग जो है वह अच्छे कामों के लिए होना चाहिए, न कि किसी भी खराब काम के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। उन्होंने कहा, दान लेना और भिक्षा लेना तो एक ऋषि परंपरा है, और रजत जी अगर आप ये इंडी टीवी हाउस भी अगर हमें दान में दे दें, हमारे नाम पर कर दें, तो वो भी हम लेने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी लंका गए, उस बारे में भी उन्होंने खुलासा किया। उन्होंने यह खुलासा किया कि जैसे रजत शर्मा जी ने बोला कि आपने बोला कि हनुमान जी बिना वीज़ा के लंका गए थे, तब उन्होंने बताया कि आज के ज़माने में वीज़ा और पासपोर्ट के जरिए ही आज की पब्लिक यानी कि युवा पीढ़ी समझती है, इसलिए हमने उस तरह का उदाहरण करके उन्हें बताया और वह समझ गए। तो यह एक समझाने का तरीका है और यह एक परंपरा है जो कि कोई गलत नहीं है और यह सही है। बाबा जी ने बताया उन्होंने बचपन से हनुमान जी की ही सेवा की है और हनुमान जी के कारण ही वह धनवान है, तथा दुनिया में जो भी हनुमान भक्त है वह धनवान है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और बाबा जी के कपड़ों के बारे में जो पूछा गया उसके बारे में भी उन्होंने बेबाक जवाब दिया और उन्होंने बताया कि भाई हमें रंग बिरंगे कपड़े पसंद हैं तो पसंद हैं, हम पहनते हैं, अगर किसी को इससे आपत्ति है तो वह इससे भी ज़्यादा रंग बिरंगे कपड़े पहने, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें अगर प्रॉब्लम है तो सनातन के दुश्मनों से ही प्रॉब्लम है। आखिर कब तक सनातन खतरे में रहेगा? सनातन धर्म ही हमारा असली धर्म है जिसका पालन करना चाहिए और बाकी तो सब पंथ हैं। जैसे कि बाबा जी ने बताया कि सभी लोग अपना धर्म मानते हैं, वैसे मैं भी अपना धर्म मानता हूँ। सनातन धर्म ही सिर्फ दुनिया में एक धर्म है, बाकी सब पंथ हैं उससे निकले हुए। आज के कोई भी जो धर्म, ये कह ईसाई हो या मुस्लिम हो या जो भी हैं, वह कहते हैं कि भाई हम ये धर्म के, हम हमारा धर्म ये है, पर अगर वह पीछे जाकर देखेंगे, अपनी पीढ़ियों 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 के बाद जाकर देखेंगे, तो वह भी अपने आप को सनातनी ही पाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, जो इंसान जिस धर्म को मान रहा है वह बलपूर्वक माने, परंतु मैं अपने धर्म का कट्टर हूँ, रहूँगा और हमेशा से ही रहूँगा और पहले भी था। मैं सनातन धर्म मानता हूँ और सनातन ही एक धर्म है और भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र फिर से बन जाएगा। रजत शर्मा जी ने पूछा कि क्या आप साईं बाबा का सम्मान करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ बेझिझक मैं साईं बाबा का सम्मान करता हूँ, परंतु एक संत के नाते, न कि एक भगवान के नाते। साईं बाबा कोई भगवान नहीं है, वह भी एक संत थे, अच्छे संत थे, महान संत थे, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनका आदर करता हूँ। मैं अपने धर्म के प्रति कट्टर हूँ, मैं सनातनी हूँ और हिंदू हूँ, इसलिए मैं सनातन धर्म को बढ़ावा देता हूँ और पूरे विश्व में सनातन धर्म लागू कर रहूँगा। जैसे कि उन्होंने कहा कि हम सनातन के कट्टर हैं, तो उन्होंने साथ में यह भी कहा कि हमें न ईसाइयों से डर है, न मुसलमानों से डर है, न अन्य धर्मों वालों से डर है, और हमें तो डर है हमारे अपने में जो जयचंद हैं उन लोगों से डर है कि जो सनातनियों को भी अंदर से काट रहे हैं, यानी कि दीमक लगा रहे हैं। दोस्तों, आगे की बात मैं अब अगले वीडियो में करूँगा, आज यहीं तक। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।